अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातहू। वेलकम टू ज़ैनब किचन। आज हम बनाने वाले हैं रमज़ान स्पेशल साबूदाना वड़ा। उसके लिए हमने 1/4 किलो साबूदाने को भिगा के रखे थे 2 घंटा। उसके बाद हमने इसका पूरा पानी छान कर लिए है। देखिए एकदम खिले खिले हो गए हैं। अब साबूदाना भी हमारा अच्छे से फूल गया है, एकदम पूरा मैश हो रहा है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये हमने चॉप लहसुन लिए हैं साबूदाने के हिसाब से, 10-12 कली है लहसुन की। 4 हरी मिर्ची, उसको भी हमने बारीक बारीक चॉप करके लिए है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको भी हमने बारीक चॉप किए है। 1 टीस्पून जीरा और 10-12 कड़ी पत्ते। शेंगदाने का उठ लिए हमने। शेंगदाने को भूनकर उसके छिलके निकाल कर उसको थोड़ा दरदरा ब्रश करके रखे थे, वो भी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, क्या है जोहान? ये हमने 5-6 आलू उबाल कर उसको मैश करके रखे है। थोड़ा सा हरा धनिया, 1 मुट्ठी है हरा धनिया। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। ये सब मिश्रण हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। ऐसे इतना सूखा सूखा करेंगे, एकदम पतला नहीं करने का, नहीं तो फिर वो फट जाएंगे तेल में डालने के बाद। थोड़ा हाथ को पानी लगा कर लेंगे। ऐसे सब पोड़े हम इसके सब बना कर लेंगे। और आज से ये वीडियो में हमारे हादी का भी नाम आने वाला है, हादी किचन। वो खाली दीदी का लेते हैं ना ज़ैनब किचन, इसलिए आज से हमारा हादी किचन। ऐसे सब हम बना कर लेंगे ओड़े। इस सब ऐसे ओड़े बनाने के बाद इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तेल रखे है गरम करने के लिए गैस के ऊपर। तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो गया है, एकदम भी धुआंदार नहीं करेंगे। तेल गरम होने के बाद गैस के फ्लेम को हमने लो किए हैं। इसको हम सुरंग नहीं हिलाएंगे, थोड़े देर के बाद इसको हम चम्मच से हल्के हल्के हिला कर लेंगे, नहीं तो ये फटने लगेंगे। अभी ये देखिए, अभी ये बुलबुले आने थोड़ा कम हो गया है। अभी हम गैस की फ्लेम पास करेंगे इस पॉइंट पे। अभी हम इसको पलट कर देखेंगे। इसको हम 2-3 बार उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करके लेंगे। साबूदाना वड़ा अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम फूले फूले भी हो गए हैं। अभी हम इसे निकाल कर लेंगे।
देखिए बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी, एकदम गरम गरम है। अभी हम इसे हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। रमज़ान महीने में इसे ज़रूर ट्राई करें और सबको खिलाइए। और मेरी वीडियो अच्छी लगने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।